सो भाई लोग, आज का एक ये पीसी बनने जा रहा है जिसकी कॉस्टिंग है, पूरा जो पीसी है ना उसकी कॉस्टिंग आ रही है लगभग अराउंड 2,02,500 के आसपास, और जो सिर्फ सीपीयू है उसकी कॉस्टिंग आ रही है रफली, देखो थंबनेल डालने के लिए हम बता रहे हैं आपको, लगभग 1,80,000। और ये पीसी बना है 3070 इंटेल 12700 के। देखो कंपोनेंट्स क्या क्या है वो आपको वीडियो में हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा मेरा नजला है अवॉइड करना, और टाइम हो रहा है रात का 9:30। इंट्रो लिया नहीं था तो मैं सोचा इंट्रो आप सबके सामने लेंगे। पीसी किसका है पहले वो मिलवाते हैं आपको। सो भाई इनका पीसी है, क्या नाम है आपका? विवेक। पूरा नाम बताओ। विवेक कुमार मौर्य। विवेक तुम्हारी एज क्या है? एज 14। क्या करते हो? पढ़ते हैं, स्टडी। पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और किस क्लास में? नाइन्थ में। और ये है मम्मी, नमस्ते आंटी। और ये है विवेक के फादर, अंकल रिटायर हैं और आंटी हाउस वाइफ हैं। तो आंटी को क्यों दिला रही पीसी, किस काम के लिए? अब इन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस वजह से दिला रहे हैं कि मतलब कर लेंगे और हाँ। ये दिला दे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके कर लेंगे। आए तो विवेक, लिखाई करके ही आगे बढ़े। मम्मी पापा ने तुम पे बहुत भरोसा दिखाया है, बहुत ज्यादा भरोसा, उस भरोसे को तोड़ने मत देना, समझ गए? उस भरोसे को टूटने मत देना, अच्छे से अपना पीसी चलाना। और आगे तुम वीडियो में देखोगे तो इंट्रो तो बाद में ले रहे हैं, तुम आगे वीडियो में देखोगे, देखना तुम्हारा पीसी जो है बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है और सब कुछ ऑन कैमरा हुआ है, सब कुछ ए टू जेड सारा पीसी किया है, और अंकित भाई ने ही किया है ए टू जेड सारी चीज़ें तुम्हारी, ठीक है, समझे? और इसका पीसी अभी आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आगे डिटेल्स, क्या क्या हमने कंपोनेंट लगाए हैं और पूरा बिल्ड किया है। लखनऊ से ही है, यही राजीपुरा में रहते हैं, पारा चौक, पारा केरी के आसपास, पारा चौकी के पास। और आंटी दो तीन बार आ चुकी हैं, दो बार आ चुकी थी, एक बार आंटी आई थी ऐसी बातचीत करने, फिर आंटी आई थी एडवांस करने, अंकल नहीं आते, इस बार अंकल भी आए। आगे देखिए वीडियो में कैसे कैसे इसका पीसी बिल्ड हो रहा है, देखिए आइए फिर आते हैं आउट्रो में। तो भाई लोग देखिए, इंट्रो मैंने दे दिए ना, अब उसके बाद जो कंपोनेंट इसके 1,80,000 के बजट में लग रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें लग रही है कैबिनेट, देखिए हमने बजट में जो कंपोनेंट्स को ध्यान दिया है ना वो उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है, लुक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए इसे इसमें कैबिनेट लगाई है। TD500 में 3000 GB फैन फ्रंट में आते हैं और पीछे कुछ नहीं आता, अच्छी कैबिनेट आपने देखी होगी। कूलर मास्टर TD500 में 3.0 के 2 पोर्ट टॉप पे, हेडफोन जैक, माइक जैक, पावर नॉब स्विच और रिसेट बटन के साथ दिया हुआ है, और पावर नॉब स्विच इल्यूमिनेटेड है। उसके अलावा 360 mm का लिक्विड कूलर आप प्रॉपर लगा सकते हैं एंड एक्सेप्टेबल आप फ्रंट में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ जो हम लोग इसमें लिक्विड कूलर क्लब कर रहे हैं वो लगा रहे हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला कूलर मास्टर लिक्विड ML360 इल्यूजन। अब आपको बताएं इल्यूजन क्यों लग रहा है? इल्यूजन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये उनकी खुद की पसंद है, हमारी पसंद नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि हमको इल्यूजन चाहिए, हमें हेलो की सीरीज पूरी करनी है। हमने कहा था नॉर्मल ले लो, पैसा बच जाएगा, अगर आप चाहो पैसा बचाना तो आप नॉर्मल ले सकते हो, उसमें आपका काफ़ी अमाउंट सेव हो जाएगा। उसके अलावा जो उसमें पावर सप्लाई लग रही है वो लग रही है कूलर आपकी XPG तरफ से आने वाली XPG कोर रिएक्टर 750 वाट गोल्ड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई 750 वाट 80+ गोल्ड आती है विद 10 ईयर्स वारंटी के साथ, ठीक भाई? 750 वाट पावर सप्लाई लगा रहे हैं, फुली मॉड्यूलर देख लिए, गोल्ड पावर सप्लाई लग रही है, और उसके साथ क्लब हो रहा है आपका ग्राफिक कार्ड जोटेक गेमिंग, जोटेक गेमिंग ट्विन एच G4 RTX 3070 5 ईयर्स की वारंटी के साथ ग्राफिक कार्ड, जिसमें आपको 2 साल की वारंटी नॉर्मल मिलती है, 3 साल की वारंटी आपको इसको एक्सटेंड करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन लिखी लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड चेक डिटेल्स एट zotac.com। तो ये लग रहा है, और इन सारे कंपोनेंट्स की प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए, वहाँ से जाकर आप इसको बाय भी कर सकते हैं। जब भी आप इसकी वीडियो देख रहे हैं ना तब आप इसकी प्राइसिंग को चेकआउट कर सकते हैं कि उस दिन इसकी क्या प्राइसिंग है। और उसके अलावा देखिए इसमें जो हम लोग सॉरी थोड़ा सा हफ रहे हैं क्योंकि बुखार है, जो इसमें हम लोग मतलब बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ASUS Logitech Z690 गेमिंग वाईफाई DDR5 मतलब बोर्ड लगा रहे हैं, जो आता है LG 1700 सॉकेट के साथ और PCIe 5.0 और सब कुछ सील पैक है A2Z, देखिए यहाँ से वहाँ से सब कुछ। उसके साथ इसमें जो रैम क्लब हो रही है वो 16 GB की सिंगल स्टिक क्लब हो रही है, XPG कैक्स्टर RGB DDR5 16 GB की 6000 MHz की RGB रैम यूज़ हो रही है, ठीक भाई? और उसके साथ कोर i7 12700 के प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, फुल लॉक प्रोसेसर है सॉरी अनलॉक प्रोसेसर है, सील पैक देखिए 12700 के। और उसके साथ जो NVMe लग रही है वो लग रही है WD_Black SN850 1TB Gen 4 जिसकी रीड स्पीड है 7100 Mbps और एक लग रहा है हेलो फैन, ठीक भाई? तो इन सारे कंपोनेंट की सील आपके सामने ब्रेक करते हैं, हम निकालते हैं फिर भाभी आपकी करेंगे इसको बिल्ड। Touch, but if I'll never get it right, I try to find.
अब आप टाइम लैप्स में देखो सारे कंपोनेंट हम खुद अपने हाथों से अनबॉक्स करके दिखाएंगे आपको। तो भाई लोग देखिए सारा सामान निकल चुका है। सामान दिखाओ सूफी। देखो ये एक पैकेट है, इसमें एक्सपीजी के केबल्स हैं। देखिए ये आपका पावर केबल हो गया और ये रिमेनिंग केबल होगा, ठीक। फुली वॉन्टेड पावर सप्लाई और ये आपकी पावर सप्लाई हो गई 750 वॉट गोल्ड। ये रहा आपका 12700 के प्रोसेसर ही देखो। उसके अलावा ये आपकी कैस्टर रैम हो गई, फुल जबरदस्त 8 GB साथ आती है और 6000 MHz। और ये रही आपकी 1 TB की जेन 4 NVMe और 1, 2, 3, 4 फैन हो गए। ये रखा है आपका, देखिए आपका मदरबोर्ड, ठीक, बहुत मस्त। और ये लिक्विड कूलर। अब क्या करते हैं, अंकित भाई को बुलाते हैं, सीधा कराते हैं बिल। और हम लोग जरा साहू एजेंसी में घूम के आते हैं, वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं, पूरा ब्लॉग शूट करेंगे। अगर ब्लॉग देखना हो तो क्या करना है, मिस्टर शादाब खान ब्लॉग चैनल है, स्क्रीन शॉट आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन के समय जिसे सब्सक्राइब नहीं की ना, उसके मोबाइल की स्क्रीन फटेगी यार, देखना। अच्छा विवेक, अब ये बताओ तुम्हें पीसी कैसा लगा तुम्हारा? बहुत बढ़िया। बढ़िया, कुछ कमी लगी? नहीं, कमी बस तुम्हें लग रहा मॉनिटर की। इसने मॉनिटर लिया है, दिया हमने इसको गीगाबाइट G27F। अब तुम्हें कमी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने इसको यूज नहीं किया है। और तुम अभी पे कौन सा मॉनिटर यूज करते हो? वो वाला मॉनिटर जिसके पीछे वो निकला, पेट निकला जिसका, सैमसंग है, वो यूज करते हो? तो हाँ, तो उस मॉनिटर में, इस मॉनिटर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी चला रहा है तुमने देखा अभी? एकदम मक्खन चल रहा है, कताई जाए। देखो इसमें सब कुछ जो कंपोनेंट्स लगे ना, सब टॉप नॉच लगे हैं। तुम चाहे Z690 मदरबोर्ड ले लो, चाहे ग्राफिक कार्ड ले लो, चाहे रैम ले लो, 6000 MHz की रैम, 1 TB की जेन 4 NVMe ले लो। जेन 4 है मतलब 7000 MBPS उसकी रीड और राइट स्पीड है। और हमने इसलिए उसमें दिखाया नहीं था, मेन वो दिखा दिया था। तो लुक कैसा लगा ये बताओ, मेन बात। लुक एकदम सोचा था वैसे है ना। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगी कि महंगी चीज जरूरी नहीं होती, आपकी मेहनत जरूरी होती है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए बच्चा लोग ध्यान रखना। और पीसी चलाना अपना, कोई इशू हो तो कॉल कर लेना भाई लोग। इसी तरीके से कोई आपको पीसी परचेज करना हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9532777575। व्हाट्सएप कर लेना या इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, पीसी परचेज कर लेना। और आज धनतेरस के दिन ये वीडियो शूट हो रही है, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ सेफ दिवाली। पटाखों से दूर रहना, लाइट जलाना, खुशियां बांटना, मिठाइयां बांटना, लेकिन पटाखों से थोड़ा सा दूर रहना क्योंकि हर इंसान किसी न किसी की जान होता है, समझ गए आप लोग। और जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना। हम कभी विवेक ये चीज सुने ना कि तुम्हारे परसेंटेज कम आई हो, परसेंटेज अपनी अच्छी रखना। हाँ, क्योंकि मम्मी को पापा को तुम्हारी सिर्फ परसेंटेज चाहिए पढ़ाई से। पढ़ लिख जाओगे, कामयाब हो जाओगे, उनको 2 रुपए का लालच नहीं, उनको सरकार दे रही है, सरकार जीवन भर देगी उनको। हाँ, उनको नहीं चाहिए है, उनको सरकार, गलत तो नहीं कह रहे अंकल, सरकार दे रही है उनको, जीवन भर देगी। तुम अपने पैर पर खड़े होकर जब BMW खरीदोगे ना, तो जितनी खुशी तुमको होगी ना, उससे लाखों खुशी उनको होगी कि उनके बेटे ने आज 50,000 की गाड़ी खरीदी है, समझे? प्रॉमिस विवेक, हैं? प्रॉमिस, इज्जत की बात है, कभी हम देखें ना, ठीक है, बाय बाय।